हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रीजनिंग सीखो। दोस्तों, NIELIT यानी डोएक संस्था से अगर आपने CCC का फॉर्म अप्लाई किया है तो जुलाई के महीने के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और किस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं CCC का वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, CCC लिख के आप गूगल में सर्च कीजिए, उसके बाद ये पेज खुल के आएगा। ये वाला आपको फर्स्ट नंबर पे देखिए मेन साइट आएगी, इसको आपको ओपन करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। ये स्क्रीन पे नोटिस आएगा, इसको आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ से क्रॉस का निशान आ रहा है, अब आपको नीचे आना है, नीचे की तरफ को आना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है सेकंड नंबर पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, यानी इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएंगे, किस तरीके से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ 2018। उसके बाद एग्जामिनेशन नेम यानी कौन से महीने में आपका पेपर था, यानी जुलाई 2018। इसके बाद आपको एंटर एप्लीकेशन नंबर लिखना है, तो एप्लीकेशन में आप ये चीज़ ध्यान रखें कि वो कैपिटल लेटर में होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो आप पूरा कैपिटल लेटर में लिखें और जैसे भी वहाँ लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखें, कोई स्पेस वगैरह आपको नहीं देना है। और जिस फॉर्मेट में यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप यहाँ इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ से सेलेक्ट करें, अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप यहाँ जो ये कैलेंडर का एक निशान दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया पूरा कैलेंडर खुल के। इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आगे पीछे करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और कैप्चर कोड में आपको जो नीचे लिखा हुआ है नंबर वो आपको यहाँ लिखना होगा कैप्चर कोड में, ये जो है नंबर। उसके बाद आपको ये व्यू पे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जब व्यू करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप अपने सेंटर पे जाएं तो एडमिट कार्ड को लेके तो अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ की जीरोक्स कॉपी लेके जाइएगा और एक वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में फ़ोटो लेके जाइएगा। तो ये चीज़ें वो हैं जो इंस्टीट्यूट वाले मांग लेते हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर लेके जाएं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आप किसी ऐसे के पास जाइए जो इस चीज़ को जानता हो, तो उससे आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए। अगर आपके पास कोई नहीं है जानकार, ना ही किसी पे निकल रहा हो, तो आप चाहें तो मुझे भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं कि मैं आपका एडमिट कार्ड निकाल के देख सकता हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपको किसी की भी मदद ली है और आप कोई भी नहीं निकाल पा रहा है तो आप मुझे भी दे सकते हैं, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर आप CCC के बारे में कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को CCC को लेकर, कुछ भी आप जो भी जानना चाहते हैं कुछ भी वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। और CCC को लेकर आने वाले समय में जो भी नोटिस होगा वो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पे सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नोटिस डाला जाता है, तो अगर आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर तरह की भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। साथ ही रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा ताकि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें। और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपने यह वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।